हेलो एवरीवन, मैं अनमोल अरोड़ा, टैट बजर अकेडमी अबोहर पंजाब के सोने प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत करदा गाइस। पीएसएट 2 एसएसटी 80 5994 जॉब्स तो इन्हों के लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज आज फिर तो अगे बढ़न जा रही है। सैशन नंबर 12 के विच आप एंटर हो चुके हैं, सैशन बिल्कुल जड़ा है वो लाइव हो चुका है। राइट, चलो हाँ चलो स्टार्ट कर दिया जरा अपने आज के सेशन। एंड एसएसटी दे अलग अलग पार्ट्स तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे होंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। ईटीटी 5994 लिए बैच नंबर 6 ऑनलाइन कोचिंग दे बेसिस ते अगे वध ही रहा है। ज्वाइन करना चाहते हो जरूरत के अनुसार तो जरूर तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच है। पीएसटेट पेपर 1, पेपर 2 मैथ साइंस, पेपर 2 एसएसटी के लिए तुम जरूर तो कोचिंग जी है जरूरत के अनुसार ज्वाइन कर सकते हो। आज का सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसनों तुसी देख सकते हो। क्वेश्चन है गाइस, भारत की थली सरहद लगभग जी 15,200 किलोमीटर है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। हेठ लिखियां विचों केड़ा देश सब तो वड्डी सरहद नूं भारत नाल जिहड़ा हैगा सांझा करदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विद इंडिया गाइस। सो क्वेश्चन नंबर इज 1 दे लई बेस्ट आंसर केड़ा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देना। हां गाइस, इस क्वेश्चन नंबर 1 दे लई बेस्ट आंसर साडे को रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश रहेगा 4,096 किलोमीटर का, एक आप कह सकते हैं थली बॉर्डर टच करता है जिसनों असं इसके अंडर ध्यान में रखना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बेस्ट आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो स्क्रीन पे। अंडेमान टापू नू निकोबार टापू तो वक करन वाला चैनल कहाउंदा है गाइस। द चैनल सेपरेटिंग द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड एज। सो इनू की कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बेस्ट आंसर एक राइट से आंसर गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर गाइस केड़ा होएगा। द 10 डिग्री का चैनल, बिल्कुल गाइस, अंडमान टापू नु निकोबार टापू तो वर्क करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 10 डिग्री चैनल वाला, जिसनों असं ध्यान में रखना है। अंडमान ते निकोबार दोनों आइलैंड इस दे बिहाफ ते अलग हो जाते हैं क्योंकि विचों जाता है 10 डिग्री वाला चैनल गाइस। आगे मूव कर दें जरा क्वेश्चन नंबर 3 दे वल गाइस। गर्मियां दे मौसम दौरान भारतीय उपमहाद्वीप ते उच्च तापमान अते घट दबा हिंद महासागर तो हवा खिंचता, जिस दे नाल हिंद महासागर दे विच हवा चलती है। हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टीनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द। सो इन द बेसिस ते असी राइट आंसर एंड दे अंडर केड़ा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रिगार्ड। सो लो प्रेशर वाला एरिया जनरेट हो जाता है एंड उथे फिर समर सीजन के दौरान ये चीज असं देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड उनके रिगार्डिंग गाइस जो अपने कोल इन्दे विचों कंसेप्ट है। ओके गुड रेखा, तो इसके रिगार्डिंग जो असं इतों देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग मानसून के नाल ही जुड़िया हुआ कंसेप्ट। गाइस बिल्कुल साउथ वेस्ट मानसून आती है इंडिया के नीचे वाले हिस्से तो, अगर असं इनकी गलबात करते हैं जरा ये एक पॉइंट इधरों आ गया साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आ गया एंड ऑन द बिहाफ ते गाइस असं यही चीज इसके अंडर देखनी है ऑप्शन नंबर 2 के नाल देखनी है। दखन
पश्चिमी मानसून, दक्षण पश्चिमी मानसून। देखो उपर जरा है ना मानसून ट्रफ बन जाता है उपर वाली वी, इतने लो प्रैशर वाला एरिया जनरेट हो जाता है, जिदा ह्यूमस जी हो जाती हैगी है, ये आवाजा दिदिया है कि आन उ जरा है वो फिल कर उस एरिया उस गर्मी खत्म कर एंड बारिश को बुलावा दिदिया है, वो एक जरा रीजन बन गया होंगे है तो लो प्रैशर वाला रीजन जिन्होंने मानसून ट्रफ भी बोलिया जाता है। तो गाइज ये असी इनका मॉन साउथ वैसट मानसून के नाल असी इनका ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, पंजाब दे विच हरी क्रांति आन दे मुख कारणों दे विच शामिल है गाइज। सो क्वेश्चन नंबर फोर दे लिए राइट आंसर की होने वाला है, द मेन रीजन फॉर द अराइवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब इंक्लूड। तो पंजाब दे विच हरी क्रांति आन दे मुख कारणों दे विच शामिल, the main reasons for the arrival of green revolution in Punjab include, number one is increase in crop density and increase in arable land, ki fasli ghanta de vich vada ate vahi yog bhumi de vich vada, number two hai bahu fasli chakkar te kheti baadi da machinikaran mechanization of agriculture on multi crop cycle कि मल्टीपल तरह की फसल उगाई जान साइकिल अपनाया जा कि खेतीबाड़ी का मशीनीकरण, नंबर थ्री है सिंचाई सहूलत दे विच वाधा ते कीड़े मार दवाइया की वरतू, इनक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ पैस्टीसाइड्स, नंबर डी है फसली सुरक्षा ले चुके गए कदम ते सुधरे बीज इंप्रूवड सीड्स ऑन क्रोप प्रोटेक्शन मेजर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज ए सारे ही गाइज इट्स ऑल। सो इन बेस्ट ऑप्शन गाइज साढ़े लिए कि रहेगी वो असं देख के चलना है जरा। हाँ पहला वैसे कणक की फसलों के एकदम बहुत वड्डे लैवल से असं वाधा देख सकते हैं जो होया उस टाइम पर गाइज उन गलबात बिल्कुल की जाती हैगी है। राइट एंड उनके बिहाफ से जड़ी असं इतों गलबात बिल्कुल इतों कर पा रहे हैं। हाँ वो जो है साढ़े को इतों आंसर रहेगा गाइस इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जो बेस्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर ई रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल गाइस पहला कनक लिए आई सी फिर उस तो बाद चावलों लिए आई वो एक हरी क्रांति दे एकता कंसैप्ट हैगी है ऑप्शन नंबर डी इन बिल्कुल बेस्ट आएगा। क्रोप की डेंसिटी वधाना फसली कंता वधाना थोड़े एरिया भी ज्यादा फसल का झाड़ वगैरह लेना वो चीज तो हैगी सी एक वड्डा उद्देश या बहुफसली चक्कर से खेतीबाड़ी का मशीनीकरण करना भी वो चीजा भी देखिया जा बाकी सब ऑप्शन भी इसके बिल्कुल सुधरे हुए बीज वगैरह प्राप्त करने वो सब ऑप्शन सही है। सो नंबर ई बिल्कुल बेस्ट है इट्स ऑल राइट। सो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव दे वल। क्वेश्चन नंबर फाइव की कह रहा है हिमालयी खेतर दे विच दखनी ढलाना संघनी बनस्पति दे नाल क्यों टकिया हुई हैं गाइस। हाँ डॉक्टर स्वामीनाथन का बिल्कुल तुसी कंसेप्ट इहदे नाल जोड़ सकते हैं बिना किसी डाउट दे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दे लई आपां नूं जो इत्थे देखना है गाइस वो असी इत्थों देखने की कोशिश भी करते हैं। देखो अगर असी इस साइड तो देखिए हिमालयी खेतर में दखनी ढलाना संघनी बनस्पति क्यों ढकी हुई है, नंबर वन है सूरज की रोशनी के वधेरे संपर्क के करके। हुण देखो ये भी चीज तुसी इस दे नाल दी नाल समझो जरा ये साडे लिए इशारा किवें किया जा रहा है इस साइड तो गाइज इहदे लई ये गल साडे सामने निकल के आ रही है कि हिमालय का जिहड़ा नीचे वाला रीजन आ गया ना साउदर्न हिल्स जिहड़ी होंगे साउदर्न पार्ट जिहड़ा आ गया साउदर्न हिमालयस या शिवालिक जिहड़ी रेंज होगी उस साइड तो इत्थे गलबात निकल के जो आ रही है। सो उस पार्ट की गल आई है कि उत्थे थिक वैजीटेशन क्यों देखते हो तो पहली ऑप्शन सूरज की रोशनी के वधेरे संपर्क के करके मोर एक्सपोजर टू सनलाइट, नंबर टू वधेरे वर्खा के कारण ऑन अकाउंट ऑफ मोर प्रेसिपिटेशन, नंबर थ्री है
ठंडिया हवावां दे घट संपर्क दे कारण ऑन अकाउंट ऑफ लैस एक्सपोजर टू कोल्डर विंड्स नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सारी सो इस क्वेश्चन नंबर 5 दे लई बेस्ट आंसर गाइस जो असि इथो देख के चलांगे वो केड़ी होने वाली है बेस्ट ऑप्शन इन सब दे विचों गाइस नवदीप ऐसे अपकमिंग हफ्ते तो बिल्कुल उसी स्टार्ट हो जाएंगे कल ही उसके लिए मैं प्लान करवा देना वैसे उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 वाली साइड तो जो असि इथो देख पा रहे हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 वाली साइड तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बेस्ट आंसर जो साड़ी को निकलेगा ऑप्शन नंबर डी निकलेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वर्खा दे भी ज्यादा संपर्क विच है सूरज दी रोशनी दे संपर्क विच भी है ठंडिया हवावां दे घट संपर्क विच है यही करके तो असीं देख सकते हैं सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बेस्ट है ऑप्शन नंबर डी जिस करके उत्थे ज्यादा सघनी बनस्पति देखने को मिलती है साउथर्न साइड से वो सारे के सारे पॉइंट अंदर निकल के आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो गाइस तुसीं अपनी स्क्रीन पर किस अवधि नूं जनसंख्या दे विस्फोट की अवधि कहा जाता है विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखो ज्योग्राफी के लिए मैग्रा हिल की बुक देख लो अगर पढ़ना है तो 10th लेवल तक की बुक्स है वो पढ़ सकते हो मल्टीपल ऑप्शन है थोड़े सामने देखो क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग जो असं इतों बेस्ट आंसर लेना चाह रहे हैं जनसंख्या का विस्फोट एकोदम बहुत वाधा होया गाइस जनसंख्या दे विच एक बहुत बड़े लेवल से वृद्धि देखने को मिली नहीं गाइस डी ऑप्शन नहीं है सही नहीं डी नहीं सी बेस्ट है बी भी नहीं है एवं तुक्के नहीं मारी दे होंगे 1951 तो 1981 का टाइम सीगा जिस दे विच असीं ये चीज देखते हैं पॉपुलेशन दे विच एकदम बहुत वड्डे लैवल से वाधा सानू इत्थे देखने को मिलिया सो यही है साडे कोल एक बेस्ट आंसर इहनू ही टाइम नू बोलिया जांदा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या का विस्फोट क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी स्क्रीन पे आ चुके हैं जिसनों तुसी देख सकते हो समझ सकते हो फिर इसके बिहाफ से की कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेने हैं सर क्या जा रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किड़े अनुच्छेद दे विच दिते गए हन गाइस सैशन वधिया जा रहा हो फ्रेंड्स तक सैशन शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना गाइस राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर इनक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइस सुनी जी जरूर वो भी 6 to 8 तक है जरूर वो भी मैटर अंदरली यूज किया जा सकता है ज्योग्राफी के उस साइड बाकी क्वेश्चन नंबर 7 वाली राइट आंसर सानू जरूर तो देखना बेस्ट आंसर केड़ा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 वाली साइड तो हाँ देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये साडा इंडियन पॉलिटिक्स से तो शुरुआत इस दे नाल इस क्वेश्चन दे नाल भी हो रही है ता ऐसे बिहाफ ते गाइस ऑप्शन नंबर ए बेस्ट है अरे गाइस 10th लेवल तक दी बुक्स तो मिनिमम पढ़नी ही पैनगी एसपी जल्ला अगर उन्होंने बहुत पुरानी है ना तो एक टाइम पे तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन मिली सी ना तो ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 वाली साइड तो गाइस बेस्ट ऑप्शन नंबर ए है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 ते 24 दे विच इनना दा वर्णन है गाइस बिल्कुल आर्टिकल 23 ते 24 जिथे बाल मजदूरी दी मनाई है मनुख दा धंधा करन दी मनाई हैगी है बिल्कुल रोक टोक है क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो हरेक पंचायत दे विच प्रत्यक्ष चोन दे राही भरे जाण वाले कुल स्थानां दे विचों किन्ने स्थान औरतां लई राखवें होणगे How many of the total seats to be filled by direct election in each panchayat will be reserved for women? So, this question the best answer, this question the right answer. See, this is question number 8 regarding guys. Right, Rekha. 10th लेवल तक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी मिनिमम उस तो ऊपर भी जाना पड़ता है ग्रेजुएशन लेवल तक भी कई टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं लाइक अभी थोड़े सामने उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग देखो क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग 1/3 है बिहार 50% देती है पहली स्टेट सी इंडिया की जिसने 50% वाला प्रावधान किया भारत में औरतों के लिए राखवांकरण बट इधर 1/3 गाइस ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है बिल्कुल सही है जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो फिर क्वेश्चन नंबर 9
बिल्कुल सही है जी, 33 कह दो, 1/3 कह दो, बिल्कुल सब के लिए यही है जी। अरे जेडे पेड कोर्स के स्टूडेंट है उन्होंने और कोई बुक नहीं पढ़नी, बट ये ओपन स्टूडेंट जेडे पूछ रहे उन्होंने ही दस रहे। पेड कोर्स वाले तो बार बार इंस्ट्रक्शन यही है कि पहला पेड कोर्स का मैटर कर लो, टिप्स ते लियाओ, एंड सोचोगे भी बुक उठाने की, उस तो बाद बुक तुसी आप ही छड़ देनी है जेडी उठाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, चोन कमीशन बारे केड़ा कथन सही नहीं है गाइस। बिल्कुल एसएसटी के लिए भी सतपाल जी हो जाएगा, जिसने भी लेना है उसका ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग पेड कोर्स से स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर, चोन कमीशन बारे केड़ा कथन सही नहीं है। एसएसटी लिए सिंगल, ईटीटी 994 लिए भी मिल जाएगा, एसएसटी लिए सिंगल, पीएसटेट लिए भी मिल जाएगा, ऐप पे अवेलेबल है दोनों दोनों, फुल सिलेबस भी अवेलेबल है, जरूर तो देख सकते हो जरूरत अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए स्थाई स्टेटमेंट दसनी है, नंबर 1 है स्थाई इलेक्शन कमीशन के बारे में सही स्टेटमेंट, नंबर 1 है स्थाई अते स्वतंत्र संस्था की है, इट इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, स्थाई अते स्वतंत्र संस्था है। नंबर 2 गाइस, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नगर निगम दीयां चोणां करवाउण दे लई जिम्मेवार है, कि 9वें क्वेश्चन दे लई असीं इस चीज़ नूं देखांगे। नंबर 3 है गाइस साडे सामने जो निकल के आ रहा है, जिसनों असीं देख सकते हैं कि संविधान की धारा 324 दे विच चोन कमीशन दे नाल संबंधित व्यवस्थावां की कल्पना की गई है गाइस। या लास्ट है, दिस इज एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन, एक ऑल इंडिया संस्था है। ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਰਮਨਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ, ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਗਾਇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਟ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲੇਠੀਆ, ਸ਼ਾਇਆ ਮਲੇਠੀਆ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਵੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ। ਐਪ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਇਜ਼। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। पीएसटेट 2 ਦੇ ਸੀਡੀਪੀ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਐਪ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 8:30 ਵਜੇ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਰਨਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਫਟਰ 9:30। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਹੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 57 ਗਾਇਜ਼, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 57 ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 9710505050, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
एंड फ्री पेपर्स भी अपने जिहड़े प्रीवियस ईयर्स दे ओह वी तुहानू शेयर कीते जाणगे एंड बाकी पीएस स्टडी दे कोर्सेज है चाहे पेपर 1 ईटीटी पेपर 2 मैथ साइंस या एसएसटी लई भी ऐप ते अवेलेबल है एदा ही ईटीटी 9994 लई भी अवेलेबल है ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग अबोर आके करना चाहंदे हो ओह भी तुसी जरूरत दे अनुसार कर सकदे हो क्वेश्चन नंबर 11 तुहाडे सामने आ चुके है गाइस क्वेश्चन नंबर 11 राजपाल दी योग्यता दे संबंध विच हेठ लिखियां विचों की सच है गाइस नंबर 1 है वो भारत दा नागरिक होवे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया नंबर 2 है गाइस वो 35 साल दी उम्र पूरी कर चुका होवे ही हैज कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज ही डज नॉट वर्क इन अ पोजीशन ऑफ प्रॉफिट कि वो लाभ ते पद ते काम ना करदा होवे नंबर डी है गाइस वो राज विधानसभा दा मेंबर बनन दे लई योग होवे ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो क्वेश्चन नंबर 11 दे लई राइट आंसर इस दे विचों की हो सकता है हो जाओगे अगर व्हाट्सएप ते मैसेज करता है जितना जल्दी हो सकेगा थोनू ज्वाइन करवा दिया जाएगा उस ग्रुप दे विच क्वेश्चन नंबर 11 दे लई देखो गाइस बिल्कुल ही सही है नंबर डी राइट रहेगा नंबर डी राइट ऑप्शन होएगा ऑल आर करेक्ट गाइस बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 देखो अपनी स्क्रीन पे जिसनु तुसी देखन जा रहे हो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 गैर स्थाई मेंबरों की चोन डैश समय लिए की जाती है द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर तो इस क्वेश्चन के लिए सब तो बेस्ट आंसर केड़ा देखोगे यूएन जनरल असेंबली दे मेंबर्स दी चोन जेडे नॉन परमानेंट मेंबर्स होंदे है वो किन्ने साल वास्ते कीती जांदी है सो उसके लिए राइट आंसर केड़ा देखांगे क्वेश्चन नंबर 12 वाली साइड तो हां तो क्वेश्चन नंबर 12 वाली साइड तो ऑप्शन नंबर 2 देखो करेक्शन पोर्टल तो 894 दा उन्होंने पहले ही कहता सी नहीं ओपन करना जी असी सो चीजा है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बेस्ट है दो साल ते इंडिया भी 8वीं बार दिन नॉन परमानेंट मेंबर बनया होया है वो चीज असी देख सकते हैं गया वो चीज असी इन दे विच कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 गाइस थोड़े सामने आंदा आया पंजाब बिस्किट की शुरुआत इस क्वेश्चन ਨਾਲ हो रही है अपने आप नु हजरत मोहम्मद दी ती जड़ी हैगी है बीबी फातिमा दी संतान मंदे सन कौन कौन सन शेख सैयद काजी या उलमा सो किन्ना दे नाल तुसी इन्ना नु बेस्ट ऑप्शन दे विच रखन वाले सो देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 दे रिगार्डिंग हां देखो अगर असी इस क्वेश्चन दे रिगार्डिंग बिल्कुल एक राइट आंसर चाहने हां तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा गाइस जेडे सैयद सन वो अपने आप ਨੂੰ हजरत मोहम्मद ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਿਲੇਬਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਲਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਏਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ तो क्वेश्चन नंबर 13 ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸੈਯਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ 894 ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਕਡ ਇਨ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਵਿਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਹੁਮਾਯੂ? ਗਾਇਸ, ਸੋ 15 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਰੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਸੀ ਗਾਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਵਰਕਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਫਿਲੋਸਫੀ? ਗਾਇਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ? ਹਾਂ, 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 500 ਵੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਕਬਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਜ਼ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਏਗਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਗਾਇਜ਼, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼? ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਡੇ ਡਿਡ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਰਿਵੋਲਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 1900 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਗਾਇਸ। 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ, 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਉਹ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ? ਦੇਖੋ PDF ਤਾਂ ਐਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ MCQs ਦੇ ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ। ਅਰਸ਼ੋ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ, ਉਸ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੱਲ 9:30 AM ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗਾਇਸ, ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਗਾਇਸ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ऑयल सीड प्रोडक्शन तिलन दे उत्पादन दे बारे विच असी इसके लिए देख सकते हैं। अरे अरे नहीं 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 रुको 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 जरा रुको ऑयल दे नाल येलो है ऑयल दे नाल येलो है गाइस सॉरी वह गोल्डन फाइबर जानी सी गाइस जूट वाली नंबर सी नहीं आएगा नंबर टू आएगा जिन्हों का नंबर टू है ना वो सही है जिन्हों का नंबर टू है वो ही सही है ऑयल वाली येलो दे नाल जाएगी इस दे नाल नहीं जाएगी ठीक है ए ऑयल सीड्स ए वो है वो में नहीं है बिल्कुल नंबर टू रहेगा हनी एंड हॉर्टिकल्चर उसके नाल असी देख सकते हैं हनी का स्पेशली कंसेप्ट इहदे नाल जुड़दा ही जुड़दा है सुनहरी क्रांति का वो गोल्डन फाइबर जुड़ी होंगी है जिहड़ी कि असी देख सकते हैं सोनू जी हुण रह गया तो एक बाई चांस रह गया तो रह गया हुण उहदे विच वो सैट ओपन नहीं हो पाना इन्नी जल्दी सो क्वेश्चन नंबर 19 दे लई बेस्ट ऑप्शन नंबर टू है हनी एंड हॉर्टिकल्चर आज का लास्ट क्वेश्चन इस समय ना मात्र जीडीपी के आधार से भारत की आर्थिकता का आकार कितना है व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एट प्रेजेंट ऑन अ नॉमिनल जीडीपी बेसिस सो इस 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर तुसी मैनू दोगे कमेंट सैक्शन दे विच ते एक मैनू ये भी दसोगे गाइज इंडिया की जीडीपी किन्नवे रैंक की जीडीपी है इंडिया की जीडीपी पूरे संसार दे विचों इसका किन्नवा रैंक है इस क्वेश्चन के लिए तुसी मैनू कमेंट दे विच आंसर जरूर तो दोगे 19 दे लई आ रहा कोई गल नहीं 19 दे लई भी देख लैंदे आ हाँ ये थोड़े लिए पेंडिंग छड़ रहे हैं दोनों क्वेश्चन अरे 19 के लिए हनी एंड हॉर्टिकल्चर शहद गोल्डन तो उवें जुड़ता है गोल्डन रेवोल्यूशन के नाल एंड उस तो एक्स्ट्रा जिहड़ा तुसी 11 नंबर कहा सीगा देखो गाइज राज विधानसभा दा मैंबर बनने के लिए योग होवे एक कंडीशन बिल्कुल हैगी है कुलविंदर जी जो तुसी पुछया सीगा शायद कुलविंदर जी ने ही पुछया सीगा तां देखो हालांकि ये टर्म लिख दिती जांदी है जिवें कि उधरों राष्ट्रपति दी ऑप्शन दे विच लोक सभा दा मैंबर बनने की योग्यता रखता हो लिख दी जाती है ताकि वह एटलीस्ट इन्नी क रखता होगा तो उस उपर तो अपने आप ही होगा ही होगा बस लिख दी जाती है कोई इनका खास मतलब वैसे ज्यादा रह नहीं जाता उपर वाली ऑप्शन के चलते एंड उही गल बस इधर आई सी गवर्नर के लिए 35 साल उम्र तो होनी चाहिए है लाभ के पद से काम ना करता हो भी है तो वह फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही जा रही है कि भारत का नागरिक तो होने ही चाहिए है ठीक है यही सी बाकी जरूर तो आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट सैशन सैशन वधिया रहा होगी फ्रेंड्स तक सैशन जरूर तो शेयर करके जाना जी एंड जिस दे लई तुसी अपना नाम वैसे फ्री वट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाते पेपर जिस दे लई तैयारी कर रहे हो शहर जितों बिलोंग करते हो मेल हो या फीमेल हो सारी जानकारी तुसी दिते गए नंबर से वट्सएप से फॉरवर्ड करोगे जिन्ना जल्दी हो सकेगा थोनों फ्री वट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिता जाएगा गाइस ओके सो वो दो क्वेश्चन के आंसर तुसी लभ के लैके आओगे जिन्हों आप नैक्सट पॉइंट में डिस्कस करेंगे ना चारों के ऑप्शन है कई ने आंसर वैसे मैक्सीम आंसर आ गए है मैक्सीम आंसर आ गया बट चलो फिर भी जो थोड़ा कह दिता है तुम्हें आप नैक्सट करा जीडीपी का रैंक इंडिया का किन्ना है तो यह भी आप कल वाले सैशन में डिस्कस करा सो मिलते हैं आप उस सैशन में एंड चैनल सबसक्राइब नहीं किया जरूर तो करो इंस्टाग्राम से फॉलो नहीं किया टैलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया फेसबुक पर पेज नहीं अगर लाइक किया या फिर टैलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया जरूर तो यह सब कम करो एंड